हमारे साथ अमीषा वोरा भी जुड़ रही हैं, प्रभुदास यादव की चेयरपर्सन। अमीषा, ये अचानक जो पैनिक आया है बाजार में, आप इसको कैसे देख रही हैं? बाजार क्या कुछ पसंद नहीं आया बाजार को बजट में, या कुछ और रीजन देख रही हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये बजट से लिंक नहीं है। बजट इज एक्सेलेंट, बट ये जो मार्केट में राउट चल रहा है एंड इसका रिपरकशंस अक्रॉस आता है, जब भी एम टू एम मार्क टू मार्केट मार्जिन भरने को आ जाता है इतनी बड़ी पोजीशंस पे, तो कोई भी स्टॉक्स मेरे ख्याल से बिकता है। वन आई थिंक इज दैट, एंड उसके चलते जो एफआई सेलिंग का दौर चालू था, मुझे लगता है वो भी शायद चालू ही है। तो ये दोनों पॉइंट से मुझे लगता है मार्केट काफी पैनिक सेलिंग मोड में है अभी। बिल्कुल, कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको आता दिखाई देगा? अब मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात नहीं कर रहा, जहां पे आपको लगता है कि हाँ भाई इस लेवल पे आके तो स्क्रीमिंग बाय बन जाता है बाजार में, वैल्यूएशन कंफर्ट हो, अभी वो दूर है या वो करीब है, पास में ही है? सो समाओ मैंने ये साल की रेंज तो एक 16,500 से 19,500 की रखी थी। 16,500 काफी भी फिर भी डीप है, लगता है ये 17,200 17,100 पे रुक सकता है, नॉट इम्पॉसिबल, बट मार्केट में ये एक रेंज ये साल के लिए रहेगी ऐसा फिर भी मेरा मानना है। राइट अमीषा, ये आप रेंज की बात कर रहे हो और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपका नज़रिया आप हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बजट जो है इसने काफ़ी हद तक आम नागरिक पर फोकस किया, इसने काफ़ी हद तक इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस किया। रेलवे इंफ्रा में जिस तरह से हमने देखा कैपिटल आउटलेज बढ़ते हुए दिखे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर भी नज़र रही और कई सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस थे जिनके टैक्स स्ट्रक्चर को भी काफ़ी हद तक ईज आउट करते हुए देखने को मिले, जैसे कि ऑटोमोबाइल स्पेस। तो फिर सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पर आप नज़र रख रही हैं? आई थिंक सेक्टर जो चॉइसेस है वो मोर और लेस मुझे लगता है स्टेडी है, क्योंकि आप बजट रीड करोगे तो बजट का भी एक फोकस है, वो कंटिन्यूड फोकस है, विच इज ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसकी जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट इकोनॉमी पे आती है। और उसमें आत्मनिर्भरता जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, वो कंटिन्यूड है, बट उसमें जो एडिशन किया है वो जो जरूरी था ये ग्लोबल रिसेशनरी साल में, और पर्टिकुलरली जब रूरल इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, तब जो मासिस के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है, जैसे टैक्स रिडेम्पशन से, टैक्स ब्रैकेट चेंजेस से, या तो बाकी थोड़ी बहुत स्कीम्स से जो रूरल इंडिया को ज्यादा फोकस्ड है, मुझे लगता है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को काफी अच्छी तरह से फोकस दिया है ये बजट ने। एंड हमारे जो टॉप पिक्स विद इन द मॉडल पोर्टफोलियो है, या तो हमारे जो फोकस सेक्टर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग है वो रहेगा, आफ्टर दैट मेरे ख्याल से जो बैंकिंग सेक्टर पे फोकस है वो रहेगा, एंड कोई ऐसा एडिशनल सेक्टर नहीं है जहां पर हम इंक्रीज्ड फोकस हो जाएंगे, बट क्यूएसआर डिफेंस जो सब सेक्टर है वो भी फोकस कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल अमीषा, वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन और काफ़ी अच्छे टेक्स आपकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, थोड़ा सा और डीप डाइव कर अगर आप हमें समझा पाएं, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पर भी फोकस रहेगा सरकार का, बजट में ये अनाउंसमेंट भी आती हुई दिखी और उसके ठीक बाद ऑटो सेक्टर में भी हमने एक एक्शन देखा और पिछले कई दिनों में ऑटो एंसिलरीज खबरों में तो रही हैं। ऑटो सेक्टर डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ द सेक्टर विच विल डू वेल, क्योंकि उनको लास्ट ईयर वॉल्यूम ग्रोथ आने के बावजूद जो रॉ मटेरियल प्राइस का इंपैक्ट रहा मार्जिन पे, प्लस चिप सप्लाई के लिए जो फुल वॉल्यूम नहीं आ पाया, वो दोनों तकलीफें चालू थी। तो आगे चलते हुए सबके ईवी मॉडल्स ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल साइड हुआ तो ट्रैक्शन बढ़ेगा, एंड चिप सप्लाई प्रॉब्लम थोड़ी कम हो रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राइस एनवायरनमेंट थोड़ा सॉफ्टन हो रहा है, तो वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट ये दोनों पे इनका इंप्रूवमेंट चालू रहेगा। बट उससे और भी आगे बढ़े तो जैसे कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है, उनको मुझे लगता है कि जो ट्रेजेक्टरी है कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ की वो 3 से 4 साल तक
मेंटेन रहेगी ग्रोथ की, सब्सटेंशियल ग्रोथ की, और उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मार्जिन ये बहुत अच्छे रहेंगे. तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर विल बी इन गुड मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड. बाजार के जाने माने दिग्गज जय बाला भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अमीशा बिफोर वी लेट यू गो वी वुड वांट टू स्टील दिस अपॉर्चुनिटी, जाते जाते कुछ और स्टॉक्स भी आपके चुनिंदा आपके पसंदीदा आप बताएं. एक यू नो जैसे मेजर स्टॉक्स तो सेक्टर्स तो बताए, पर एक डिफरेंशिएटेड प्ले में ऐसे जैसे हम मानते हैं कि ये जो वैल्यू रेजिम अभी चल रहा है लास्ट ईयर से वो कंटिन्यू रहेगा अभी भी, एंड उसमें एक चेंज सेक्टर जो उभर के शायद आ सकता है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्योंकि वहां पर गैस वेदर पेट्रोनेट एलएनजी और गुजरात गैस जैसे स्टॉक ले ले, या तो मार्केटिंग कंपनीज लाइक एचपीसीएल या आईओसी ले ले, या तो ट्रांसमिशन कंपनी जैसे कि गेल ले ले. ये सभी के वैल्यूएशन इतने बॉटम आउट हो चुके हैं और लास्ट ईयर जिनी वजहों से उनको मार्केटिंग मार्जिन में या तो गैस प्राइसेस की वजह से प्रोडक्शन में लॉसेस हुए, ये यहां पर बॉटम आउट हो चुके हैं और अगले साल जैसे कि 23-24 में नॉर्मल सी प्रिवेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड वैल्यूएशन आई थिंक ऑलमोस्ट डिकेडल लो पे है. तो ये टर्न अराउंड सेक्टर ये साल का रहेगा ऐसा मेरा मानना. अमीशा बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, आपसे बात करते करते बाजार रिकवर करने लगा. देखिए इसलिए अहमियत होती है आप जैसे अनुभवी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हमसे बात करने के लिए, ताकि लोगों को सही मैसेज जाए और पैनिक में जो बाजार में माल है जो अपने पोर्टफोलियो में घर में है वो भी ना बिक जाए. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. जय बाला.